श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, चंद्रमा हमारे दैनिक राशिफल में काफ़ी महत्व रखते हैं। ढाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते हैं, उस हिसाब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे भाव में रहेंगे, तो इस दिन आपको थोड़ा सावधान रहना जरूरी होगा, सावधानियां बरतनी जरूरी होगी। ये समय आपके लिए मिला जुला भी साबित हो सकता है। इस दिन अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। इस समय में चंद्रमा आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा और चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। आपके कामों में रुकावटें आएगी, लेकिन समय बहुत बुरा भी नहीं होगा। सावधानी बरतनी जरूरी रहेगी, नहीं तो आप किसी गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इस समय में आपके बिजनेस के क्षेत्र में दिन ठीक ठाक सा रहेगा। कुछ अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी धन के क्षेत्र में दिन अच्छा रहेगा। बस कहीं निवेश करना है तो सावधानी जरूर बरतें। इस समय में आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके काम के क्षेत्र में काम का प्रेशर आप पर ज्यादा रहेगा। इस समय में आपके बॉस के साथ रिश्ते अच्छे रह सकते हैं। इस समय में आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, कोई नया सामान घर आ सकता है। इस समय में आपकी इच्छाएं कई मामलों में पूरी हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय मिला जुला सा रहेगा, ना ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा। आपके मन में इस दिन कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। आपका ध्यान बाहरी दुनिया में ज्यादा रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ इस समय में बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर से एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। मैरिड लाइफ एंजॉय करने के लिए समय अनुकूल है। अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ के लिए भी आज का दिन आनंद से भरा रहेगा, रोमांस से भरा रहेगा, काफी शुभ रहेगा। इस दिन आपके लिए सफेद रंग का इस्तेमाल करना बहुत शुभ रहेगा और दो अंक आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।